नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली मैं ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूं जो लैपटॉप चलाना बिल्कुल नहीं जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने नया या पुराना लैपटॉप परचेस किया है लेकिन अगर आप चलाना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतनी जानकारी आपको बताने वाला हूँ जिससे आप लैपटॉप पर दिन प्रतिदिन होने वाले काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोज़ को ना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। अरे, हमारे पास जो है एसर कंपनी का जो है ये लैपटॉप है और इस लैपटॉप को हम चालू करें उसके पहले जान लेते हैं कि लैपटॉप में कौन कौन से पोर्ट होते हैं। कहने का मतलब, लैपटॉप में आप क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ कोने पे ये जो है लैपटॉप का जो है चार्जर यहाँ पे लगता है, क्योंकि लैपटॉप को हम चार्ज करके 2-3 घंटे जो है चला सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। वीडियो चलाएंगे तो कम समय चलेगा, अगर ऑडियो चला रहे हैं तो ज़्यादा समय तक चलता है। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो HDMI पोर्ट है, इस HDMI पोर्ट के माध्यम से हम किसी बड़े TV को, अपने लैपटॉप का जो भी डिस्प्ले है, जो स्क्रीन पर आ रहा है, उसको हम बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है लैन कार्ड है। अगर हम अपने लैपटॉप को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ जाएगा। इस ये जो है USB पोर्ट है, यहाँ पे हम पेन ड्राइव या कोई ऐसा डिवाइस जिसमें USB पोर्ट दिया है तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बगल में आप देख पा रहे हैं, ये ऑडियो पोर्ट है। अगर आप जो लैपटॉप से गाना वगैरह सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा के सुन सकते हैं। अब आइए इस तरफ हम दिखाते हैं आपको कौन कौन से पोर्ट हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक पोर्ट दिया गया है और इस ये भी पोर्ट जो है USB पोर्ट है। तो चलिए अब जानते हैं कि लैपटॉप को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे आपको सीधा कर लेना है। और लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो उसमें कहीं ना कहीं आपके कीबोर्ड में पावर बटन दिया गया होगा। आपको देखना कि आपके लैपटॉप में पावर बटन कहाँ पे है। जहाँ पे भी पावर बटन है सिंपली आप उसको एक बार प्रेस कर दीजिए। तो देख पा रहे हैं, हमारे इस एसर के लैपटॉप में यहाँ पे पावर बटन दिया गया है। जैसे मैं इसको एक बार प्रेस करके छोड़ दे रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है लैपटॉप जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लैपटॉप के अंदर दो चीज़ होता है, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। जब कभी हम स्टार्ट बटन को एक बार यहाँ पे दबा के छोड़ देते हैं तो हमारे लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और फाइनली आप देख पा रहे हैं, हमारा लैपटॉप जो है स्टार्ट हो गया है। और जैसे मैं यहाँ पे कोई कीज़ यहाँ पे प्रेस कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे पासवर्ड डाल रखा हूँ तो हमको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना होगा। तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर दे रहा हूँ और फाइनली इसके बाद जो है हमारा जो लैपटॉप है बिल्कुल रेडी हो जाएगा और अब हम इस लैपटॉप पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर काम कैसे करेंगे, इसके पहले हम जान लेते हैं कि लैपटॉप के कौन कौन से यहाँ पर भाग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं और किसका क्या रोल है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सामने जो आपको टीवी जैसा दिख रहा है इसको जो है डेस्कटॉप बोलते हैं। जो भी कुछ हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो काला काला आपको दिख रहा है इसको कीबोर्ड कहते हैं। अगर हमको कोई चीज़ अगर कंप्यूटर में, अगर मान लीजिए कोई आपको टाइप करना है, लेटर लिखना है, तो आप जो है इस कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको दिख रहा है, इसको टच पैड बोलते हैं। क्योंकि लैपटॉप में माउस नहीं होता है, माउस का जो काम होता है हम यहाँ पे टच पैड के माध्यम से करते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे अभी आपको मैं पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इस कीबोर्ड के नीचे जो है इसका हार्ड डिस्क है, इसके अंदर रैम है, मदरबोर्ड है, जितने भी पार्ट्स हैं सब जो है मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इस लैपटॉप के अंदर यहाँ पे दोस्तों ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आप बैटरी लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं बिना मैं पावर सप्लाई के इस पर काम कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि लैपटॉप के जो सामने जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है और किसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपको फ़ोटो दिख रहे हैं और इसको जो है कंप्यूटर की भाषा में आइकन्स बोलते हैं। आइकन्स ये जो है कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है। तो इन आइकन्स को अगर हमको सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे टच पैड का यूज़ करेंगे। और टच पैड जैसे आप देख पा रहे हैं इसको पॉइंटर बोलते हैं, ये जहाँ पे जाएगा वहीं पे हम सेलेक्ट कर पाएंगे। और जैसे आप देख पा रहे हैं टच पैड पे मैं जैसे उंगली को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहा हूँ उसी हिसाब से ये पॉइंटर भी आगे दाएं बाएं जा रहा है। तो अगर हमको कोई चीज़ सेलेक्ट करना है
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंटर को जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं गूगल क्रोम लिखा है, इसके ऊपर ले जाएंगे और जैसे एक बार प्रेस करेंगे तो ये चीज़ सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे पे हम बताना चाहेंगे, चूंकि हमारे इस लैपटॉप के अंदर विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, अगर आपको ये पता करना हो कि किसी भी लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, तो इसको पता करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। आपको विंडो के साथ जो है पॉज ब्रेक बटन, तो मैं और यहाँ पे विंडो के साथ जैसे मैं पॉज ब्रेक बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे इस लैपटॉप में विंडो 11 जो है होम सिंगल लैंग्वेज, आप देख पा रहे हैं विंडो 11 हमारे इस लैपटॉप के अंदर लोड है। तो फाइनली यहाँ पे जो ये क्रॉस का है इस पर मैं क्लिक जैसे करूँगा तो ये विंडो जो है क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये विंडो बटन बोलते हैं, जैसे हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे इस लैपटॉप के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर लोड हैं उसकी पूरी जानकारी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पे विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे होंगे तो यही जो बिल्कुल स्टार्ट मेनू आपको यहाँ कोने पे दिखेगा। यहाँ पे विंडो 11 में आप देख पा रहे हैं जैसे ऑल प्रोग्राम है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे इस लैपटॉप के अंदर देख पा रहे हैं जितने भी सॉफ्टवेयर लोड हैं ये टोटल आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ जो यहाँ पे आपको आइकन्स देख रहे हैं, कहने का मतलब लैपटॉप में जिस सॉफ्टवेयर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे पिन कर देते हैं। पिन करने से क्या होता है कि हम जैसे सीधे इस पर हम क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करना है तो इसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक ही बार क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गूगल क्रोम का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जैसा कि आप जानते भी होंगे हम इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, या अगर हमको न्यूज़ पढ़ना है तो न्यूज़ पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, कहने का मतलब हमारे लैपटॉप में अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इंग्लिश है, अगर हमको हिंदी में टाइप करना तो जैसे मैं हिंदी पे अगर क्लिक करूँगा तो हमारा जो कीबोर्ड है हिंदी जैसा टाइपिंग करना शुरू कर देगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको छतरी जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनेट आइकन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये वाईफाई है, जो भी हमारे अगल बगल में वाईफाई के सिग्नल हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिख रहा है, और हमारा जो ये लैपटॉप है वाईफाई से कनेक्टेड है। जब भी हमारा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड होगा तो हम यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वाईफाई के माध्यम से भी इंटरनेट चला सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा लैपटॉप जो वायर से जुड़ा है तब भी हम अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर का आइकन दिख रहा है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने जो लैपटॉप का जो आवाज़ है यहाँ पे हम कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैटरी दिख रहा है आपको, अगर आपको ये पता करना हो कि आपका लैपटॉप कितना चार्ज है तो जैसे यहाँ पे पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि लैपटॉप आप देख पा रहे हैं 93% हमारा चार्ज है और लगभग 3 घंटा 46 मिनट और ये स्टार्ट रह सकता है। इसके आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे इस लैपटॉप में यहाँ पे टाइम शो कर रहा है और यहाँ पे डेट शो कर रहा है। तो दोस्तों ये रहा जो सामने की स्क्रीन है, इस पर क्या क्या जानकारी होती है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि अगर हमको अपने लैपटॉप के अंदर किसी प्रोग्राम को ओपन करना हो तो हम किसी प्रोग्राम को ओपन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे लैपटॉप में किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चलिए मैं जो सबसे ज़्यादा जो तरीका जो यूज होता है उसमें से कुछ तरीकों को आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो आप क्या करिए, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और जो भी प्रोग्राम आपको जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जैसे नोट पैड का जो सॉफ्टवेयर होता है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे नोट पैड लिख के ये दिखा रहा हूँ NOTE। आपको नोट जैसे आप नोट पैड लिखेंगे तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नोट पैड आ चुका है, हमने सिर्फ नोट लिखा था, नोट पैड यहाँ पे आ चुका है। अगर इसको हमको ओपन करना है तो सिंपली क्या करेंगे, पॉइंटर को इस पे ले जाएंगे और जैसे दो बार ऐसे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे नोट पैड का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ओपन हो चुका है। जितने भी विंडो ओपन होते हैं उसमें आपको यहाँ पर 3 बटन्स का ज्ञान आपका होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो बटन है, जैसे इस पर पॉइंटर ले जाएंगे तो ये मिनिमाइज़ करने का काम करता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो ओपन है यहाँ से हटके यहाँ टास्क बार में आ जाएगा।
और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा है, यहाँ से हम अपने इस विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे पे हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं बड़ा हो गया। पुनः इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीसरा जो बटन है यहाँ पे क्रॉस लिखा आपका देख पा रहे हैं, क्रॉस का जो आइकन है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो बंद हो जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये विंडो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर नोटपैड का था यहाँ पे बंद हो चुका है। चलिए दोस्तों जानते हैं ये तो रहा पहला तरीका कि हम कैसे ओपन कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए अगर आपने उस सॉफ्टवेयर का अगर आपने शॉर्टकट बना रखा है, जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम है, तो इस गूगल क्रोम पे हम पॉइंटर ले जाएंगे और एक बार जैसे हम इस पर दबाएँगे तो ये टच करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी अगर इस पर दो बार हम प्रेस करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका रहेगा कि अगर वो सॉफ्टवेयर जिसका आपने शॉर्टकट बना रखा है अगर उसको आपको ओपन करना, जैसे उस पर डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ज़्यादातर ये दो तरीका यूज होता है, और भी तरीके हैं। चलिए एक तरीका आपको और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको नोटपैड का ये एप्लीकेशन ओपन करना था तो आप ये शॉर्टकट तरीका होता है, कीबोर्ड के माध्यम से हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आपको विंडो के साथ आर प्रेस करना है और यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमको NOTE नोटपैड, जैसे नोटपैड लिखने के बाद जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ओपन करने के लिए इसको कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से ओपन करना बोलते हैं, और इसमें आपको कमांड याद होना ज़रूरी है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो आपका पुराना तरीका था कि स्टार्ट पे गए प्रोग्राम को सर्च किया तो उसमें हमारा समय लगता है, इसमें अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर पहले से अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर आप कमांड सही लिखेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आपके समय उसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप जानते हैं कि अगर आपको लैपटॉप के अंदर कोई अगर आपको फाइल बनानी है, मान लीजिए अगर आपको अपने लैपटॉप के अंदर कोई अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि प्रत्येक काम को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको लेटर लिखना है तो सबसे ज़्यादा लेटर लिखने के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे MS वर्ड को ओपन कर ले रहा हूँ, तो विंडो में मैं यहाँ पे प्रेस कर दे रहा हूँ और यहाँ पे WORD जैसे वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्ड आ चुका है। इसको यहाँ पे मैं क्लिक करके जैसे इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन क्या होगा ओपन हो जाएगा। तो देख पा रहे वर्ड का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो ब्लैंक दिया इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम आपको टाइपिंग करके दिखाते हैं कि आप कैसे जो है कीबोर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कलर दिया, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रेड कलर ये आपका जो है टाइप करेगा। इसकी साइज़ को आप यहाँ पे क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे साइज़ को 24 कर लेता हूँ। यहाँ पे व्यू दिया है और व्यू से जो है इसकी साइज़ को आप जो है जैसे 100% दिया है, अगर इसकी साइज़ को और बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे 200 अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पूरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखने का काम करेंगे। यहाँ पे हम जो है ABCD लिखने का काम कर सकते हैं, ABCD। तो आप देख पा रहे हैं अगर आपको अल्फ़ाबेट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको लैपटॉप में कैपिटल लिखना है, कैपिटल लिखने के लिए आपको यहाँ पे कैप्स लॉक दिया है, जैसे इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो इसके बाद जो भी कुछ हम लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेगा। आप देख पा रहे हैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ कैपिटल में लिखा जा रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको कैपिटल स्मॉल दोनों में लिखना है तो जो कैप्स लॉक आपने ऑन किया था इसको एक बार प्रेस करके इसको ऑफ कर देना है। और जैसे अगर मान लीजिए अगर हमको अपने चैनल का नाम लिखना है तो मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ MI, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे शुरू का पहला कैरेक्टर जो है स्मॉल आ रहा है, पहला कैरेक्टर हम चाहते हैं बड़ा है तो इसके लिए हम शिफ्ट को दबाए रहेंगे और M को प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं पहला अक्षर यहाँ पे कैपिटल आ चुका है। और इसके बाद सिंपली अगर हम टाइप करेंगे तो सभी कैरेक्टर स्मॉल में लिखेंगे MTH IELTS, तो देख पा रहे हैं इस तरह से जो है आप लैपटॉप में कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मान लीजिए अगर इसको आपको मिटाना है तो यहाँ पे बैक स्पेस दिया गया होता है, जैसे इस पर हम प्रेस करेंगे देख रहे हैं राइट से एक एक करेक्टर यहाँ पे मिट रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको इसको पूरा डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको डिलीट बटन दिया है, जैसे इस पर आप प्रेस करेंगे तो देखिए पहले ए डिलीट हो रहा है BCD, तो आप ऐसे जो है करेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ी जो की है कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी की जिसको स्पेस बार बोलते हैं, इसके माध्यम से हम दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस बना सकते हैं। जैसे MI और TH के बीच में अगर स्पेस बनाना तो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ देखिए इसके बीच में स्पेस बन चुका है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा टाइपिंग करना हो तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिक की दिया, यहाँ से आप ज़्यादा टाइपिंग करने का काम कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े पैमाने पर लिखना तो यहाँ से आप टाइप करेंगे। आपको सामान्य अगर नंबर यूज़ करना तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ जो है कीज़ ऐसी है जिस पे दो दो करेक्टर लिखा गया, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप कहीं पे ईमेल आईडी अगर आप किसी को भेजते हैं तो वहाँ पे 80 लिखते हैं, यहाँ पे 2 और 80 एक साथ दिया गया है, तो इसको आप यूज़ कैसे करेंगे। तो अगर हम सिंपली इसको प्रेस करेंगे तो 2 आएगा, और अगर शिफ्ट के साथ अगर इसी 2 को प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं 80 आ रहा है। तो कहने का मतलब नॉर्मल जब हम टाइपिंग करेंगे तो नीचे वाले करेक्टर आएंगे, और शिफ्ट प्रेस करके अगर हम उसी कीज़ को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले करेक्टर हमारे टाइप होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो MS Word है यहाँ पे एक जो है फाइल बन चुका है। जब भी इसको हम क्लोज़ करेंगे तो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, और इसका नाम जो है मेरा जो चैनल का नाम है उसको मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे मिथिलेश लिख दिया, मिथिलेश नाम से सेव कर दे रहा हूँ। अब जैसे ही हम सेव करेंगे तो पूछेगा आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपको डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ डेस्कटॉप जो है सेलेक्ट कर लेंगे, और फाइनली जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो जाएगा। अगर इसको हम इस फाइल को बंद कर देते हैं तब भी हम इन फ्यूचर इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली लास्ट में जानते हैं कि आप अपने लैपटॉप पे काम करने के बाद अगर आप अपने लैपटॉप को बंद करना चाहते हैं तो लैपटॉप को बंद कैसे कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दो आसान तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका जो शॉर्टकट तरीका है, आपको क्या करना है, Alt के साथ F4 प्रेस करना है। ये रहा Alt और ये रहा F4। तो यहाँ पर देख रहे हैं शट डाउन लिखा आ रहा है, जैसे हम ओके करेंगे तो लैपटॉप बंद हो जाएगा। अभी आपको हमको दूसरा तरीका बताना है, तो मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर दे रहा हूँ। अगर आप ओके करेंगे तो लैपटॉप आपका बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर लिखा आ रहा है, इस पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अगला जो शट डाउन लिखा है, जैसे शट डाउन पे मैं प्रेस करूँगा तो लैपटॉप हमारा बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर शट डाउन पर क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं फाइनली हमारा लैपटॉप जो है बंद हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कंप्यूटर को आप स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।